ये आवाज आ रही है मेरी? जी सर, जी आ गई। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आ रही है। तो बेटा आज ना हमने ये सीर में ना प्रेजेंट किए चैप्टर 34, ठीक है, और पार्ट 8। तो मैं आगे बात की, ये अक्सर सवाल अगर इसका देखोगे ना तो ये पूछ लेते होता है, अगर इसका कंटेंट्स आप पढ़ोगे यूरोपियन एंड ब्रिटिश प्रोसीडिंग कंसर्न या ऐसे प्रोविजन जो कि आपकी किसी स्पेशल प्रोसीडिंग्स को डील करते हैं, ठीक है। ये सवाल अक्सर जनरल पूछ लेता है, जो आपके चैप्टर का टाइटल है ना या आपका पार्ट का टाइटल है उठा के उससे पूछ ले, उसके अपनी मर्जी के सवाल घुमा के देता होता है। समझ आ गई बेटा बात की? सवाल क्या देता होता है? घुमा के देता होता है। तो ये जनरल पूछता है व्हाट आर द वेरियस स्पेशल प्रोसीडिंग्स व्हिच आर लेड डाउन इन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो मतलब सोचता रहता है कि ये सवाल आया है 2-3 दफा आया है, ठीक है, ये जो आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा। जबकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है। दूसरी बेटा बात यह है कि जो है ना दूसरी ये लोड शेडिंग उसने भी काम पूरा किया आज का। तो बेटा जनरल अगर आप ये देखो लुनेटिक ट्रायल में जो आपकी तस्वीर सेंड की है ना, ठीक है, आप यहाँ पे दो बातें सुन लो। जनरल अगर मैं आपको बता दूँ यहीं पे, जैसे कहते हैं जैसे मेरा आपको पहले पता है, समरी आपको सुना दूँ, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए बेटा, ठीक है। पहली बात बेटा ये, अगर तो कोई बंदा कोई अक्यूज जो है, क्या है, कोई अक्यूज हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इनसेन, या मैं कहता हूँ कि उसका जो दिमाग है ना, अब वो ही इज अन एबल टू डिफेंड और अनएबल टू अंडरस्टैंड एविडेंस और अनएबल टू फेस ट्रायल, या ये कह दूँ कि वो अनसाउंड माइंड है, ठीक है। और ड्यूरिंग द ट्रायल अगर तो है इस काबिल कि वो ये तमाम बातें ठीक है यानी कि फेस कर सकता है, तो कोर्ट उसका जो ट्रायल है वो पोस्टपोन नहीं करेगी, ठीक है, कोर्ट उसका क्या होगी फर्दर प्रोसीड करेगी। दाया पे जो है इसका ये है, और लेफ्ट साइड पे मैंने ये लिखा है बेटा, अगर ड्यूरिंग द ट्रायल या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी या ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन इट हैज बीन अपीयर्ड ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड द सच अक्यूज्ड इज सफरिंग फ्रॉम द अनसाउंड जो है इंसेनिटी या कोई भी ऐसी बीमारी जो ये साबित कर दे कि वो बंदा इस काबिल ही नहीं है कि वो इस चीज को क्या कर सके, फेस कर सके। समझ आ गई बेटा बात की? ठीक है बेटा। अब पहली जो मैंने लिखी है इसमें, अगर तो ड्यूरिंग द ट्रायल जो है, 464 से शुरू कर रहा हूँ, ड्यूरिंग द ट्रायल इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी वो बंदा डिक्लेयर हो जाता है कि ये बंदा जो है आपका इंसेन है, हो गया, ठीक है, अब कोर्ट क्या करेगी, उसकी तमाम प्रोसीडिंग्स को अनल करेगी, सस्पेंड कर देगी, पोस्टपोन कर देगी। अब उसकी जो कस्टडी है ना उसके बारे में दो बातें आनी है आगे सेक्शन में, जनरल मैं आपको बता दूँ। एक तो उसकी कस्टडी जो है ना बेटा, आपका कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कोई एक ऐसा इदारा जो इस मकसद के लिए काम करता है, जैसे कोई हेल्थ केयर सेंटर है, ये इन अदर वर्ड यू कैन से पागल खाना, समझ आ गई बेटा बात की, वहां पे भेज देगी, या उसका कोई रिलेटिव है या उसका कोई जो है फ्रेंड है वो आके कोर्ट का एप्लीकेशन देता है, ठीक है, कि इसकी जो कस्टडी है मेरे हवाले कर दें बाय फर्निशिंग द सिक्योरिटी। सिक्योरिटी किन मकासद के लिए दी जाएगी? कि वो पहली बात उसकी ये होगी कि ये बंदा जो इंसेन है जिसकी कस्टडी इसको उसके दोस्त को या उसके रिश्तेदार को दी जा रही है, ये तो ना अपने आप को जख्मी करेगा ना किसी और को जख्मी करेगा, यानी कि उसको प्रॉपर केयर में रखेगा। दूसरी बात उसको कस्टडी इस बात की दी जाएगी कि जब भी जो ऑफिसर उसको उसको हवाले करेगा ना, ठीक है, उसको उसके सामने पेश करने के लिए किसी भी टाइम अगर उसको कहा जाएगा, ठीक है, तो वो बंदा उसको उसके सामने उस ऑफिसर के सामने उस इंसान को लेके आएगा, ठीक है। और तीसरी बात, जब भी कोई मजिस्ट्रेट या कोर्ट चाहती है कि इसका जो ट्रायल है दोबारा शुरू हो जाए, अगर ये बात ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड आ जाए कि वो बंदा अब दोबारा ठीक हो गया, तो उसका ट्रायल वहीं से दोबारा शुरू होगा जहाँ पे पोस्टपोन हुआ था, तो फिर जो उसके रिलेटिव वगैरह हैं वो पाबंद होंगे, वो क्या करेंगे, उस बंदे को वहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अदरवाइज ये जनरल आपको बता दूं बेटा, इस बात का आपको पता हो या ना हो, लुनेटिक ट्रायल का एक जो जनरल अपने आरओ सेक्शन 464 की तरफ, ठीक है बेटा, जहाँ से ये ट्रायल शुरू हो रहा है, समझ आ गई बात की? कि पहली बात कि अगर वो मजिस्ट्रेट है या आपकी कोर्ट है, समझ आ गई बात की? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल इट हैज बीन अपीयर्ड या देयर इज स्ट्रांग रीजन टू बिलीव दैट द अक्यूज्ड इज अनसाउंड माइंड and incapable of making his defense. दो ग्राउंड वो बता रहे हैं कि वो है ही इस काबिल नहीं,
कि वो क्या करे कि अपने आप का जो है वो डिफेंस उसको दे सके, या जो है उसका अनसाउंड माइंड है, अगर ये ग्राउंड हों तो मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे, इस इंक्वायरी में वो डिटरमिन करेंगे इसको, हो सकता है अगर मजिस्ट्रेट साहब को ये लगे कि इसका क्या करवाया जाए, मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाए, तो वो क्या कर सकता है, किसी सिविल सर्जन को या किसी मेडिकल अफिसर को रेफर कर सकता है कि ये जो मामला है ना इसको आप डिटरमिन करो कि वेदर सच पर्सन इज अनसाउंड माइंड और नॉट, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट साहब के सामने जब बात आ जाएगी कि जो है बंदा जो है वो क्या है आपका इनसेन मेडिकल जो है उसके ओपिनियन आ जाता है, तो मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, अपनी फाइंडिंग्स दे के अपने रीजन लिख के उसका जो वो प्रोसीजर होगा जो उसका ट्रायल या जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी वो वहीं पे क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, वहाँ पे क्या कर देंगे, रोक देंगे, ठीक है। तो ये बात कहाँ पर लिखी हुई है आपका सेक्शन 464, ठीक है। अच्छा अब जहाँ जो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि मजिस्ट्रेट इज बाउंड टू राइट डाउन द रीजन और हिज फाइंडिंग टू अबाउट सच पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम इंसैनिटी, ये बात अगर आपने इसमें देखना है तो ये है PLD 2011 लाहौर पेज 153, समझ आ गई बात की, जजमेंट कौन सी है जी, PLD 2011 लाहौर पेज 153। अच्छा ये है सेक्शन 464 है जो बताता है कि मजिस्ट्रेट साहब ने क्या करना है, पहले इंक्वायरी करवानी है, इंक्वायरी के बाद जो है अल्लाह का भला करे आपका अपनी मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने के बाद जो है उसको क्या करेगा, ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड अपना ऑर्डर करेगा और ऑर्डर के बाद उसको भेजा जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा अब यही अगर आप यह देखो 465 में अगर यही सर्कमस्टांसेस अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन एंड हाई कोर्ट, समझ आ गई बात की, तो सेम पॉइंट्स को सेम सेंस ग्राउंड होंगे कि ना तो वो अपना वो क्या कर सकता है अनसाउंड माइंड है, और दूसरी बात यह अपने डिफेंस में कुछ नहीं दे सकता, समझ आ गई बेटा बात की, अनसाउंड माइंड है, ठीक है, और आपने डिफेंस में कुछ भी नहीं दे सकता। और इसी तरीके सिविल सर्जन जो मेडिकल ऑफिसर का ओपिनियन आ जाता है कि ये बंदा वाकई अनसाउंड माइंड है, तो कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट भी क्या कर देंगी, प्रोसीडिंग को पोस्टपोन कर देंगी, समझ आ गई बात की, और जो उसकी इनकैपेबिलिटीज हैं उसकी जो ये तमाम बीमारी हैं ये जिसकी वजह से वो क्या हुआ है इस काबिल ही नहीं कि उसका ट्रायल किया जाए, सब सेक्शन 2465 का जो सब सेक्शन 2 है बेटा उसमें ये बात लिखी हुई है उसकी तमाम इनकैपेबिलिटीज है ना आर द पार्ट ऑफ द ट्रायल, ठीक है। अगर आपने इसको जजमेंट देखनी है तो आपने PLJ 2006 CRC क्वेटा पेज 579, फिर रिपीट कर देता हूँ, PLJ 2006 CRC क्वेटा और पेज 579 के ये जो आपका उसकी इनकैपेबिलिटीज हैं टू फेस द ट्रायल आर द पार्ट ऑफ हिज प्रोसीडिंग, यहाँ तो समझ आ गई। अगर यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने है या ऐसे कह दूँ मजिस्ट्रेट और कोर्ट के सामने ये बात वाजे आ जाए, या तो उसके खुद अपने नॉलेज से आए या किसी और स्ट्रॉन्ग रीजन से उसके सामने ये बात आ जाए कि ये बंदा जो है इस काबिल नहीं है, इसकी जो बंदा है ये क्या हो चुका है, पागल हो चुका है, समझ आ गई बात की, एक ये प्रपोजिशन आ रही है और एक आगे प्रपोजिशन आगे आनी है आपके हमारे 470, 72 और 73 में के, अगर एट द टाइम ऑफ अकरेंस जो था वो इनसेन था, ठीक है, तो ये बातें हम आगे आके देखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि when the alleged offence was committed, he was competent, he was capable, he was sound mind, he was not unsound mind, ठीक है। तो ये बात आप माइंड में रखिएगा कि ये उसकी ट्रायल की बात कर रहा हूँ, जो ड्यूरिंग द इंक्वायरी ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल ड्यूरिंग द ट्रायल बंदा क्या हुआ है इनसेन हुआ है, ये उसके बारे में बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसी में उस बात की आगे जम हो जानी है जो एट द टाइम ऑफ, अगर मैं यही पे आपको बता दूं क्योंकि इसका मुकम्मल प्रोसीजर होना है, अगर एट द टाइम ऑफ अकरेंस, एट द टाइम ऑफ अकरेंस वो शख्स क्या था, वो इनसेन था, तो कोर्ट अगर इस बात पे स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस आ जाती है और ये बात प्रूव हो जाती है कि एट द टाइम ऑफ कमीशन द सच पर्सन वाज अनएबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच इलीगल एक्ट और कमीशन ऑफ सच ऑफेंस, यानी कि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे उसको इल्म ही नहीं था और वो इनसेन था एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, तो कोर्ट उसको क्या कर देगी, एक्विट कर देगी। ये बात आगे आ रही है, हम देख लेते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है 466 रिलीज ऑफ द लुनेटिक, ठीक है, ड्यूरिंग द पेंडिंग ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अब सामने बात आ गई कि जो शख्स, ये बात सामने आ गई कि वो बंदा क्या है आपका इस काबिल ही नहीं है, अनसाउंड माइंड है, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगी, तो उसकी जो है वो उसको रिलीज कर देगी, समझ आ गई, और रिलीज
आपको बता चुका हूँ कि दो किस्म के हैं उसकी कस्टडी, या तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो है उसके किसी इदारे में भेज देगी, तो या तो फिर उसके किसी रिश्तेदार के पास उसको भेज दिया जाएगा। लेकिन जब रिश्तेदार ही किसी शख्स के पास भेजा जाएगा तो उससे तीन मकासद मैंने आपको बता दिए, प्रॉपर केयर, ठीक है, उसके बाद प्रिवेंटेड फ्रॉम इंजरी, और तीसरी बात अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट व्हेन इट इज डिमांडेड बाय द लर्नर ट्रायल कोर्ट। यानी कि जब उसको इन तीन मकासद के लिए वो बंदा इस बात की यकीन दहानी करा दे कि मैं इसको लेके आऊँगा, इसकी केयर करूँगा, तो कोर्ट उसकी कस्टडी उसको दे देगी। अदरवाइज उसकी जो है वो जो पागल खाना है जैसे मैंने आपको बताया, ये कोई और हेल्थ केयर सेंटर है वहाँ पर भेज दिया जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से इसमें सब हेडिंग उन्होंने दी है 466 में कस्टडी ऑफ लुनेटिक। तो मैंने आपको बता दिया कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो इदारा बनाया होगा ना बेटा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो इदारा बना हुआ होगा, यानी कि जो इस मकसद के लिए काम कर रहा होगा, जो ऐसे लोगों की बेटरमेंट के लिए और उनकी बेटरमेंट ऑफ हेल्थ के लिए काम कर रहा होगा, तो उसको उसके जो है वो पास भी भेजा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, इसमें उन्होंने एक और बात लिखी है 466 में, लुनेसी जो है ना जाइलम, लुनेसी जाइलम, देयर शैल बी नो ऑर्डर, या देयर शैल बी नो ऑर्डर, या कोर्ट और मजिस्ट्रेट मे नॉट मेक एनी ऑर्डर ड्यूरिंग द लुनेसी जाइलम। यानी कि अब कहने का बात यह है, जब उसका जितना भी इंटरवल है ना, जितना अरसा वो बीमार रहता है, या जितना अरसा वो इस बीमारी से क्या करता है सफ़र करता है, इस जाइलम के दौरान कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकती, नहीं करेगी 466 में, ये बात बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब 467 में बेटा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, व्हेन आफ्टर सम टाइम इट हैज बीन ब्रॉट बिफोर द कोर्ट दैट सच पर्सन इज फिट एंड कैपेबल टू फेस द ट्रायल एंड मे प्रोड्यूस समथिंग इन हिज डिफेंस अंडर 467 467 में अगर ये बात सामने आ जाए कि वो बंदा फिट है और अब वो क्या कर सकता है, ट्रायल फेस कर सकता है, तो फिर अदालत क्या करेगी, उसको बुलाएगी, और बुलाने के बाद कोर्ट क्या करेगी, वहीं से जहाँ से उसने प्रोसीडिंग्स जो है वो पोस्टपोन की थी, वहीं से जो है वो क्या कर देगी, अगर इंक्वायरी है तो वहीं से इंक्वायरी स्टार्ट कर देगी, इन्वेस्टिगेशन है तो वहीं से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी जाएगी, अगर आपका ट्रायल है तो वहीं से ट्रायल स्टार्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद बेटा सेक्शन 468, ठीक है, प्रोसीजर उन्होंने लिख दिया, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ कि उसी अंदाज में जो उसका होगा प्रोसीजर, जैसे एक ऑर्डिनरी ट्रायल होता है, लेकिन शर्त ये है कि उस बंदे का ठीक होना, यहाँ पे मेन टर्म एंड कंडीशन है अंडर सेक्शन 468, समझ आ गई बात की, अगर मजिस्ट्रेट या कोर्ट, कोई भी कोर्ट क्या कर सकती है, प्रोसीड कर सकती है जब वो क्या हो जाए, ठीक हो जाए, समझ आ गई बात की। उसके बाद उन्होंने कहा 468 सबसेक्शन 2 में, अगर ये बात दोबारा हो जाए कि भाईजान जो है अभी तक उस बीमारी से क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, इस बीमारी से वो दोबारा जो है क्या है उसका जो है अटैक दोबारा हो गया, तो जहाँ पे अगर कोई भी फेल या कोई भी काम शुरू हुआ है तो वहीं पर उसको प्रोसीडिंग क्या करेगा, पोस्टपोन करेगा और दोबारा उस शख्स को क्या कर देगा, जो प्रोसीजर आपने 465 और 466 में पढ़े समझा कि उसके मुताबिक ही क्या कर देगा, प्रोसीडिंग को पोस्टपोन कर देगा, उसका ट्रायल फर्दर प्रोसीड नहीं किया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये, अगर बंदा एक दफ़ा ठीक हो जाए, अदालत उसको बुला ले, ट्रायल शुरू हो जाए, लेकिन दोबारा ट्रायल के दौरान अगर वो बंदा फिर उसी मर्ज में आ जाए, इंसेनिटी में या लुनेटिक दोबारा डिक्लेयर हो जाए, तो कोर्ट उसी जगह पर वो क्या कर देगी, प्रोसीडिंग इनिशिएट कर देगी और वैसे ही तरीका अख्तियार करेगी जो हमने 465 और आपको 466 में पढ़ा, तो आगे बात की। सर जी, सर सॉरी मैं लेट ज्वाइन किया सर, सिर्फ वो प्रेजेंटेशन का आपसे पूछना था। जी प्रेजेंटेशन लेते हैं जी, पहले मैं आपकी हुक्म की तामील कर लूं ना जी, तो ये तीन जो हैं ये टॉपिक्स आपकी मैं कंप्लीट करवा लूं, तो इंशाल्लाह फिर प्रेजेंटेशंस हैं और मैं और आप। जी सर जी, उसके बाद नेक्स्ट है बेटा इसमें 469, ठीक है, व्हेन अक्यूज्ड, यानी कि अब ये वो बात आ गई जो मैं आपको पहले बता रहा था, जो आपको अब अगर इस बात पे क्या हो, एम्बिग्यूटी हो, ठीक है। अब पहली बात ये कि अगर एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस वो क्या था, तो इसकी सेकंड में जो है पैराग्राफ इस सेक्शन का 469 में पढ़ूं कि अगर ये बात हो कि बंदा एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस क्या था, इनसेन था, एक बात, और दूसरी बात ये हो कि कोर्ट क्या करे
कि ड्यूरिंग द ट्रायल ये बात सामने आ जाए, रीजन टू बिलीव, स्ट्रॉन्ग रीजन टू बिलीव, कोर्ट मुतमैन हो कि ये जो बंदा है ना जो इसने सब्सिक्वेंटली ही बिकेम इनसेन एंड ही इज सफरिंग फ्रॉम सच डिसीज, तो जब उसकी जो बातें हैं अगर क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, अगर ये दो बातें उस सर्कमस्टांसेस हों। अब ये बात अभी इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी है सेक्शन 469 में, ठीक है, कि व्हेन ही हैज कमिटेड द ऑफेंस एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, ठीक है, वो क्या था, अनसाउंड माइंड नहीं था, वो ठीक था, वो बिल्कुल ठीक ठाक था, समझ आ गई बात की, तो कोर्ट क्या कर सकती है, प्रोसीड कर सकती है, कोर्ट क्या कर सकती है, प्रोसीड कर सकती है, ठीक है, लेकिन कोर्ट ने जब अपना फैसला सुनाना है ना, देन कोर्ट इज बाउंड, ठीक है, समझ आ, तो कोर्ट क्या करेगी, उसकी तमाम बातें जो होंगी कोर्ट ने क्या करनी है, उसकी स्टेट करनी है, बाकायदा उसकी रीजन लिखनी है, ठीक है, अगर कोर्ट उसको उसकी बुनियाद पर रिलीफ दे रही है पहले वाले पे, क्योंकि एट द टाइम ऑफ कमीशन जो है वो बंदा क्या था, इंसेन था, तो तब कोर्ट ने वाजे तौर पर लिखना है कि वेदर ही हैज कमिटेड द ऑफेंस और नॉट, अगर कोर्ट कर रही है आफ्टर द ट्रायल ही बिकेम इनसेन, तो कोर्ट पे ये एक लाइबिलिटी है कि कोर्ट ने वाजे तौर पर अपनी जजमेंट में लिखना है कि वेदर ही इज गिल्टी और नॉट, ठीक है, अगर उसको ये रिलीफ दिया जा रहा है तो किसकी बुनियाद पर दिया जा रहा है, अगर नहीं दिया, अगर वो सही है तो फिर तो आपको सजा होगी, तो अगर ये कोर्ट जब करती है ट्रायल या एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस ऐसा आ जाए कि वो बंदा क्या था, इनसेन था, तो कोर्ट ने अगर उसको इक्विट करना है तो बाकायदा कोर्ट ने अपनी जजमेंट ये बात अपनी फाइंडिंग जरूर देनी है वेदर ही वाज इन रियल ऑफेंडर और नॉट। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया 471 बेटा, इसका 470, ठीक है, कि जो आपकी 470 की है जजमेंट की, जजमेंट को उसने बाकायदा जो लुनेसी के ग्राउंड पे होगी तो जज साहब क्या करेंगे, बाकायदा उसका जिक्र करेंगे, जज साहब बाकायदा उसके ग्राउंड बताएंगे, और क्योंकि उसके आगे आ रहा है कि वो जो सर्टिफिकेट होता है आपके मेडिकल ऑफिसर्स का, दैट कैन बी रिसीवेबल इन द एविडेंस, दैट कैन बी यूज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग ग्राउंड ऑफ हिज एक्यूटल। अच्छा, 471 आ गया कि अगर तो वो अल्लाह आपका भला करे कि जो शख्स है तो आपका इनसेन, ठीक है, उसको क्या किया जाएगा, जिसको इक्विट किया जाएगा, जिसको इक्विट किया जाएगा तो उसकी दो जगह पर कस्टडी बताई गई है, ठीक है, या जिसका ट्रायल पोस्टपोन करती है अदालत उसको, या जिसको इक्विट किया गया उस शख्स को, या तो अदालत उसको क्या कर सकती है, जेल में रख सकती है, या मैंने फिर आपको बताया कि उसके फ्रेंड्स को उसके हवाले कर सकती है। अब इन दो सर्कमस्टांसिस में उन्होंने एक इसमें जिक्र किया है आई जी जेल खाना जात, कि एक जो आई जी है ना अगर वो कोर्ट भेजती है उसको आपके जेल के पास, तो आई जी जेल जो होगा कम से कम उसको जो है विद कंसल्टेशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो क्या करेगा, इसके तमाम मेयर जो हमने प्रिकॉशन मेयर बताए हैं पहले आपकी उसकी सेहत के लिए, और तमाम मेयर वो क्या करेगा, अडॉप्ट करेगा। इसके बाद फिर आपको मैं बता चुका हूँ जब वो ठीक हो जाएगा दोबारा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा तो उसका 473 के तहत दोबारा जहाँ पर उसका ट्रायल पोस्टपोन हुआ था वहीं से कोर्ट क्या कर सकती है, प्रोसीड ट्रायल स्टार्ट कर देगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है जो उसका बेटा आपका 468, अच्छा उसके बाद 473 में यही बात आ गई कि जो आपका फिटनेस सर्टिफिकेट होगा ना बेटा, इसका सबसेक्शन 2 जो है आपका 473 का सबसेक्शन 2, उसमें वो बात वाजे तौर पे कहता है बेटा कि जब ये बात सामने आ जाए कि ही इज फिट फॉर द ट्रायल एंड ही मे डिफेंड, तो फिर जो उसकी फिटनेस सर्टिफिकेट होगा ना, फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है, बेशक उसके आई जी ने दिया हो तब, या उसके अल्लाह आपका भला करे बेटा आपका जो है इसमें विजिटर्स होंगे, ठीक है, वो सर्टिफिकेट मजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में वो एज एविडेंस में यूज किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है बेटा कि इसकी जो कस्टडी है बेटा, नेक्स्ट आपको बता दिया 474 में, ठीक है, कि इसकी जो कस्टडी है या तो किसको दी जाएगी आपकी,
जैसे मैंने आपका विजिटर को भी दी जा सकती है, या आपका प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है अगर कोई वो स्टैब्लिश करता है, आपका सिक्योरिटी फर्निश करता है और सिक्योरिटी देता है और तीन मकासद आपको बता दिए, ठीक है, 474 में, ठीक है, तो अदरवाइज इसका एक कमीशन बनाया जाएगा, ठीक है बेटा, जो आपका जाइलम जो होगा, जाइलम कमीशन, ठीक है, दैट विल बी कंसिस्ट ऑफ वन जुडिशियल ऑफिसर एंड टू मेडिकल ऑफिसर, समझ आ गई बात की, जो बकायदा क्या देंगे, ये अपनी एक रिपोर्ट देंगे, समझ आ गई बात की, और उसकी जो रिपोर्ट होगी, अगर वो बंदा इन कस्टडी होगा, आपकी जेल में होगा, यानी कि अगर वो आपकी आईजी की कस्टडी में है, तो उसको वहां से क्या किया जा सकता है, रिलीज किया जा सकता है। अगर आप 474 में पढ़ो कि अगर इस शख्स को 466 या 471 में, ठीक है, डिटेन किया गया था, या तो आप वो आईजी या तो विजिटर को, आप अगर वो इसके लिए अप्लाई करते हैं तो याद रखिएगा, तो उस टाइम जो है ये आपकी कोर्ट क्या कर सकती है, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपकी क्या कर सकती है, एक बोर्ड, मेडिकल बोर्ड, दैट विल बी कंसिस्ट ऑफ वन जुडिशियल ऑफिसर एंड टू मेडिकल ऑफिसर, और जो उसकी रिपोर्ट होगी वो क्या होगी, आपकी आपके एज एविडेंस इस्तेमाल होगी, और अगर उसकी रिपोर्ट या रिकमेंडेशन आ जाती हैं तो उसको उसके बिना पर क्या किया जा सकता है, बरी किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा, आखिरी बात मैंने आपको बता दी कि अगर ड्यूरिंग द ट्रायल या कस्टडी अगर ये बात सामने आ जाए कि भाईजान जो हैं क्या हैं, भला आपके इनसेन, ठीक है, और कोई उसका दोस्त या उसका कोई रिलेटिव, करीबी रिलेटिव उसकी कस्टडी लेना चाहता है, तो कोर्ट क्या कर सकती है, ये तीन जो सबसे सेक्शन इन्होंने लिखे हैं कि अगर वो बाय फर्निश द सिक्योरिटी ऑफ फॉलोइंग थिंग्स, तो ये चार बातें जो उन्होंने लिखी हैं कि पहली बात मैं आपको बता चुका हूँ, उसकी प्रॉपर केयर, प्रिवेंशन फ्रॉम द इंजरी टू हिमसेल्फ एंड टू अदर्स, और दूसरी बात मैंने कहा कि प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट, उसके बाद तीसरी बात कि जब भी उसका जो ऑफिसर जो उसको उसके हवाले करेगा, जब उसको उसकी कस्टडी चाहिए होगी तो उसको उसके सामने पेश करेगा, और अगर जब वो ठीक हो जाएगा, जब वो ठीक हो जाएगा तो जब अगर कोर्ट उसको बुलाएगी फॉर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द इंक्वायरी एंड ट्रायल, तो उसको क्या करेगा, पेश करेगा, ठीक है, तो इन मामलात में उसको उसके फ्रेंड या उसके करीबी रिश्तेदार के हवाले भी किया जा सकता है। और ये बात मेरी याद रखना बेटा कि ये सवाल आता होता है स्पेशल प्रोसीडिंग्स के हवाले से या लुनेटिक ट्रायल के हवाले से आ जाता होता है, ठीक है, और लोग अक्सर इसको छोड़ देते हैं, जैसे हमने छोड़ा हुआ था, ठीक है, अगर हम भी आप ना कहते शायद मैं ना पढ़ाता, ठीक है बेटा, तो इसमें आप अगर आपने कोई बेटा बात पूछनी है तो जी बिस्मिल्लाह, अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप हाथ में पूछें, ठीक है जी, आप किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो बेटा जी बेटा, अगर आपने 464 से लेके जो है 475 तक कोई बात आपने पूछी है तो जी बिस्मिल्लाह। फातिमा सुन रहे हो आप? जी फातिमा सईद, हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ सुन रही है, सुन रही है, अच्छा, इसके बाद सुन रही हूँ, माइक नहीं अनम्यूट हो रहा था, अच्छा, कोई बात पूछनी है? नहीं सर, थैंक यू। जी तो कीर आप जी, जी सर कोई क्वेश्चन नहीं, क्लियर है सर, क्लियर है सर, नहीं पूछ लो उसको, अमजद आवाज है जी, हाँ जी सर, नहीं सर कुछ भी नहीं पूछना, क्लियर है सर, अच्छा, और इफ्रा आप जी, नहीं सर कुछ नहीं, थैंक यू सर, जी तैयब साहब आपने कोई बात पूछनी है? नहीं सर। अब्दुल्ला आप जी, सर मैं हमेशा इधर ही होता हूँ, आप ना चेक किया करें, नहीं मैं तो आज देख हैरान हो रहा हूँ वैसे। इसके बाद अदील जी, मोहम्मद अदील आप जी,
जी सर, तो कोई बात पूछनी है? सर जो आज पढ़ाया इसमें से नहीं है, एक अपील से पूछना लिमिटेशन की तरह से। जी पूछो पूछो आदम। सर जब अगर किसी बंदे को सेशन कोर्ट से सजाए मौत हो जाती है, अब उसका जो अपील का टाइम है क्या वो 30 दिन का है या 7 दिन? ये 30 दिन का होता है, लेकिन जो जेल अपील होती है ना, वो सर अगर वो बंदा बिहाइंड द बार है तो उसके लिए और रूल्स हैं, अगर वो बाहर है तो फिर और है। यानी कि वो जेल के अंदर होगा तो 7 डे होगा उसके लिए। हाँ जी, अगर ना जेल से बाहर होगा ना, जेल से बाहर, जी जी ठीक है, तो फिर उसके लिए और लिमिटेशन है। तो पहली अपील किसने फाइल करनी होती है? आपके इसने जो जेल सुप्रिटेंडेंट होता है। सारी बात की? जी जी सर। उसके बाद सना आप बेटा। जी सर क्लियर है। की बात है जी। बात का आप बेटा ब्रीरा, आप सुन रही हो? रिदा, रिश्ता, निम्रा, सालिया, अब्दुल मनान, आप में से किसी ने बात पूछनी? वसन तमीर, बुरहान आसिफ और ये तमीना मिर्जा, तमीना को बात पूछनी है? नो सर, कोई भी नहीं, क्लियर है सर। मुझे लग रहा है आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो। चलें जी, ठीक है, थैंक यू। अगर कोई बात पूछनी है तो पूछ लीजिएगा।